Welcome to Hippo Presents Comedy Circus Mahasangram. Comedy Circus, जिसने इंडिया को दिए ऐसे ऐसे कॉमेडियंस जिन्होंने इंडियन कॉमेडी को माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर पहुंचा दिया और कॉमेडी के इस शिखर पर कौन बैठेगा सबसे ऊपर ये तय कर लिया है इंडिया ने. लास्ट वीक पुरंस सुमंस और शेटीज में से कौन है बेस्ट ये फैसला करना था इंडिया को. लेकिन इंडिया का फैसला देखने से पहले इन महारथियों के मुखियों का दर्शन तो कर ले. पुरंस को बल देने वाली बाहुबली अर्चना पुरान सिंह, शेट्टीज को कॉमेडी का ज्ञान देने वाले राजगुरु रोहित शेट्टी, सुमंस को शिकार सिखाने वाले शिकारी शेखर सुमन. अब इंडिया वोटिंग हो चुकी है बंद और इंडिया का आखिरी फैसला जानने से पहले हम देते हैं हर टीम को एक और मौका. आज किसी का भी पासा पलट सकता है ये बात तो पक्की है. और इस पक्की बात को और पक्की करने आ रही हैं द फिनोमिनली टैलेंटेड द वेरी ब्यूटीफुल, गिव इट अप फॉर टबू. टबू, आई एम रियली कंफ्यूज्ड. ये जो बात पक्की हो रही है तो मुझे जानना है भाई किसकी बात पक्की, किसके साथ बात पक्की, क्या माजरा क्या है, प्लीज सबको बताइए. ये मेरी फिल्म है तो बात पक्की. ये मेरी छोटी बहन की शादी की बात पक्की हो रही है. और मैं मैच मेकर प्ले कर रही हूँ उसके लिए. ऑलराइट, उसके लिए अमीर दूल्हा ढूंढ रही हूँ और उसकी बात पक्की करने में जुटी हुई हूँ पूरी पिक्चर में. ऑलराइट तबू, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. प्लीज टेक योर सीट प्लीज एंड एंजॉय योरसेल्फ. थैंक यू सो मच. आज के युद्ध को और मुश्किल बनाने के लिए हमने इन महारथियों को एक चुनौती भी दे दी है. हम लेकर आए हैं कई सारे अलग अलग कॉस्ट्यूम. दोनों अलग अलग कॉस्ट्यूम चुनेंगे लेकिन फिर मिलके परफॉर्म करेंगे. और अब अपनी कॉस्ट्यूम चुनने आ रहे हैं सुमंस की, कृष्णा और सुदेश की. देखते हैं कि ये जोड़ी कौन से कॉस्ट्यूम सिलेक्ट करती है. प्लीज वेलकम सीजन टू के सुदेश एज यमराज एंड कृष्णा एज वेरियस आर्टिस्ट. ओए, ये क्या कर रही है? मैं तेरे को आगे की दास्तान सुना रहा, तू पीछे की सुना रही है. कौन पहचान कौन? शेखर जी तो हो नहीं सकते, वो घर पे ही बुला लेते. सुरेंद्र नहीं नहीं वो तो सिर्फ तबला ही बजाता है. गैस कर गैस. हाँ ओ मैं गैस नहीं गैस बोल रहा हूँ, अनुमान लगा. अरे गैस तो बहुत दूर की बात है, मैं तो चेहरा देख के भी पहचान सकती हूँ. देखूं? देखो. जानू 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 जानू. तू ड्राय मत कर मेरे को. अभी तेरी शक्ल ही इतनी फनी है कि मेरे मुंह से लाफ्टर निकल गया. यार कमाल है, तेरे मुंह से लाफ्टर निकल गया. अर्चना जी का तो दिल से निकलता है. दिल की बात ना कर, मेरी तो जान ही निकल जाएगी. वही तो मैं लेने आया हूँ. क्या कहा कुत्रिया? ऊंचे सुर में बात मत कर, मैं डर जाता हूँ, मैं दिल का मरीज हूँ. ये कैसी गंदी औरत रखी हुई यार आपने, मेरा आते ही मूड खराब कर दिया इसने. राजा जानी मूड तो मैं दो मिनट में बना भी सकती हूँ. दो मिनट में? ओ तू मूड बना रही कि मैगी बना रही है? दो मिनट में बना सकती, कैसी आ रही है? ओ मैगी से याद आया, मैं बहुत भूखी और प्यासी भी हूँ. मैं खुद बड़ा प्यासा हूँ. मुझे बहकाने की कोशिश मत करना, मैं बहुत जल्दी बहक जाती हूँ. ये सब करने से पहले ये बता तू है कौन? मैं यमराज हूँ और मैं तुझे नरक लोग ले जाने आया हूँ. अबे तू क्या मेरे को नरक लेके जाएगा? मैं रोज यहाँ 10 आदमी को स्वर्ग दिखाती हूँ. क्यों अर्चना? अर्चना? Yes, he also knows everything. उस स्वर्ग में तू लोगों को लेके जाती, चित्रगुप्त ने मुझे आज तक नहीं बताया. जिसका नाम ही गुप्तो वो दूसरों की बात क्या ओपन करेगा, गुप्ता कहीं का. चल निकल इधर से. मैं अकेला नहीं निकलूंगा, मैं तेरे को लेने आया हूँ. बेटे जैसे दिखने वाली बेटी सुन, ऊपर 6 बजे छुट्टी हो जाती चुड़ैलों को, फिर ट्रैफिक हो जाती जाम, फटाफट तैयार हो जा निकलने के लिए. चल
मैं रात को चलने के लिए नहीं, रुकने के लिए तैयार होती हूँ। रुकेगा क्या? अगर मैं रुक गया ना, फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। अभी तेरे शरीर से प्राण निकलेंगे। और मैं यमराज हूँ, मेरे से डर। तू मुझे मजाक में ले रही है? शुक्र कर मैं तेरे को मजाक में ले रही हूँ, वरना तो। मुझे इतनी भरी जवानी में क्यों मारना चाहता है तू? अभी तो मेरी खेलने और कूदने की उम्र है। और तेरी खेलने कूदने की उम्र है तो मैं तेरे को ओलंपिक में ले जाऊं? कहीं भी ले चल मुझे, बस ऐसी जगह ले चल जहां मैं तेरा मूड बना सकूं। मेरा मूड बन ही नहीं सकता क्योंकि आज मेरा मूड खराब है। और सुबह सुबह इतना क्लेश हो गया मेरे घर में, मेरी माँ और मेरी बहन अलग अलग हो गए। अलग अलग हो गए? तू फिक्र मत कर, मैं तेरी माँ बहन एक कर सकती हूँ। मेरा कहने का मतलब है तू जा उनके पास प्रॉब्लम सॉल्व कर। तू जान तो बाद में भी ले सकता है ना। तू जा, मैं कौन सा मरने वाली हूँ? देख मेरे को पागल मत बना, मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूंगा, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। शकल देखो झंडू बाम की। ऐसे लोग होते हैं मर्जी के ही मालिक होते हैं। मैं चार चार बंगले की मालिक हूँ। मेरी औकात देखना चाहती तो ऊपर आके देख, एक बेडरूम में चार चार दरवाजे और 98 खिड़कियां लगी हैं। 98 खिड़कियां? तुम लोग अभी भी विंडोज 98 यूज कर रहे हो? बैकवर्ड पीपल। तू क्या समझती तू इंग्लिश बोलेगी और मेरे को समझ आ जाएगी? ज्यादा मत बोल, मैं अभी अपने बॉडीगार्ड को बुला लूंगी। ऐसे बॉडीगार्ड रखे हैं मैंने, पूरे बॉडी को गार्ड करते हैं वो लोग, एक भी जगह नहीं छोड़ते। बुलाती हूँ शेखर डार्लिंग। जरा मेरे बॉडीगार्ड अर्चना को बुलाओ, उसको अभी बताती हूँ मैं। देखो इस बेचारी को गलत मत समझो, ये तो बेचारी कमीनी औरत है। आप तो जानते ही हो। अच्छा बच्चों मैं नीचे आया हूँ, कुछ तो करके जाऊं अच्छा कर्म। देखो मैं आपको एक राज की बात बताता हूं जो आज तक किसी को नहीं पता। आप सोचो जो किसी को नहीं पता मेरे को कैसे पता हो सकता है। एक्चुअली हम तीन भाई हैं, यशराज, युवराज और मैं सबसे छोटा 300 साल का यमराज। तू ताली मत बजा, तू मेरे साथ जा रहा है। स्पेशल डिमांड आई, कहते 150 वाला बंदा चाहिए, 150 रुपए पेमेंट वाला। यमराज कौन है? जनमाने जे मानू तुसी मान बख्शिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जड़े मैंने तुसी मैंने ले 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 ले। अरे तुझसे ज्यादा क्लियर तो यशराज बोलता है। क्या बोला बे? ओ मैं सारी दुनिया को उठाता हूँ, तुमने मेरे पे हाथ उठाया। चले तू मेरी चांदनी को उठाने के लिए आया था इधर? जीजा आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं दीदी को उठाने थोड़ी आया हूँ, मैं तो उनको मिलने आया था। मैं फ्रूट लेके, केले, संतरे, पूछो उन्होंने पूछो, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं चांदनी का पति नहीं हूँ, मैं उसका भाई हूँ। ओ चले ज्यादा बोला ना तो साला ऐसा दफा लगा दूंगा, दफा हो जाएगा। रुक मैं तेरे को अभी फंसाता हूँ तुझे महिला। hey! घे आला साला। मैं डरता थोड़ी हूँ। नहीं डरना किस बात का? अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, पर ये ऐसा कुत्ता है मेरी गली में भी आके मुझे काटेगा। मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि कर्म करो और टाइम पे पहुंचो सब। अगर टाइम दिया तो टाइम पे आओ। मैसी ठीक है सर? नहीं आज मैंने पूछा नहीं, मैंने बताया ठीक है। तालियां। जो इंसान टाइम की कदर नहीं करता, टाइम उसकी कदर नहीं करता। मैं कौन हो तुम? मैं जला दूं। ओ
जला दो तो फिर मुंह से बोलो ना। मैं तुझे फांसी देने के लिए आया हूँ। ये गलत बात है, तुम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। हाँ ये ठीक है। आज मैं कॉमेडी के मूड में नहीं हूँ। और जब तू कॉमेडी के मूड में होता है तो कौन सी कर लेता, मुझे करनी पड़ती है। मेरी माँ का साकी नाका, रुक, चल, तेरे को भी लटकने का है। ये क्या कर रहे सर? नहीं, इतने बड़े बड़े सीन निकाल के आए ले तू। चल बता, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? पहली तो पूछो पहले। चल पहली बता। देखो मैं बुजुर्ग बंदा हूँ, मलिका शरावत का चेहरा दिखा दो। देखो, जिस आदमी की पहली इच्छा मलिका शरावत का चेहरा देखने की है, उसकी आखिरी इच्छा क्या होगी? साले, आखिरी बता। मेरी आखिरी इच्छा में 3-4 इच्छाएं हैं। एक मिनट, अच्छा लगता है जब कोई आदमी मरता है तो अच्छा लगता है। कलम वाली भाई आई थी इतनी इतनी कलमें रख के, मेरे को लिख के दिया, मुझे समझ नहीं आई, अच्छा लगता है। अरे ये देख हिंदू का खून और ये देख मुसलमान का खून, पहचान इसमें हिंदू का खून कौन सा है, मुसलमान का खून कौन सा है, ये मैं नहीं कहूंगा। लेकिन मैं नहीं डरता, मौत से नहीं डरता, नहीं डरूंगा। 200-300 रुपए लेके बच नहीं सकता मैं। तू सिर्फ एक ही चीज से बच सकता है। कैसे? 10-10-10 नंबर लेकर। पूरन क्या कहेंगे इन डांसिंग सुमंस के बारे में? भाई वाह, कॉमेडी की भूख मिटा दी, इसलिए आपके लिए है हिप्पो। योर एफर्ट, योर टाइमिंग, योर एग्जीक्यूशन, योर परफॉर्मेंस, आपका डांस, आपका अंदाज, आपकी अदाकारी, आपका वो पहला कदम से लेकर जो आखिरी कदम आपका आपने आज स्टेज पर रखा है, वो सब 10/10 है फ्रॉम माय साइड। रोहित, इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, आपको थोड़ा डर लग रहा है क्या अभी? आप थोड़ा ऐसे? नहीं, वो तो शो शुरू होने से पहले लग गया था कि ये शेखर जी की टीम में बहुत कमीना एक्टर्स हैं दोनों। इतने चालू, इनको पता है कि एक्ट गिर रहा है तो अभी डांस कर लेते हैं, अभी गिर रहा है तो रो लेते हैं, हंस लेते हैं, पॉजेस करेक्ट कहाँ कैसे लाना है। मुझे लगता है वापस यही जीत के जाएंगे। ये सुन के इनके कप्तान काफी खुश हो रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक शेखर? नहीं, मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ। क्यों? इतनी तारीफ। टबु, ग्रेट परफॉर्मेंस, यू हैव एन इंटरनल एनर्जी आप लोगों के अंदर जो है वो मैं शायद अल्फाज में मैं नहीं बता पाऊंगी कि वो क्या है, उसको डिस्क्राइब करना मुश्किल होता है एक्टर के अंदर जो होती है आप जैसे एक्टर्स में, लेकिन वो हम तक पहुँचती है, दैट्स वॉट मेक्स योर परफॉर्मेंस वॉट इट वॉज टूडे। वेरी नाइस, ऑल राइट, लवली कॉम्प्लीमेंट्स गाइस। देखते हैं मार्क्स क्या है, पॉइंट्स क्या है। कई बार ये कहा जाता है कि ये कलाकार है या स्टार है, मेरे विचार में आप दोनों हो, कलाकार भी और स्टार भी, इसलिए 10 पॉइंट्स। रोहित, आई थिंक बहुत अच्छा था बट नॉट द बेस्ट ऑफ कृष्णा सुदेश। ऑलराइट, आई विल गिव यू अ 9 पॉइंट्स। जोरदार तालियां। अब बारी है सीजन 3 के शेटीज की, शरद, परेश और भारती की। आइए देखते हैं कि इस तिगड़ी ने कौन से कॉस्ट्यूम चुने हैं। इस द्रौपदी को देखने के बाद तो मुझे बेचारे दुशासन पे बहुत तरस आ रहा है। देखते हैं कि दुशासन ऐसी द्रौपदी का चीरहरण कैसे करता है और शहनशाह उसे कैसे बचाता है। प्लीज वेलकम सीजन 3 के शेटी शरद, परेश और भारती। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा ही करूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा ही करूंगा। प्लीज ऐसा मत करो। मैं ऐसा ही करूंगा। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। ये औरत जबरदस्ती अपना चीरहरण मुझसे करवाना चाहती है। तुझे मेरा चीरहरण करना ही पड़ेगा। अगर तूने मेरा चीरहरण नहीं किया तो हिस्ट्री क्रिएट कैसे होगी? अरे मोटी, तेरी ज्योग्राफी ऐसी है, मुझे हिस्ट्री क्रिएट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शट अप, तुझे मेरा चीरहरण करना ही पड़ेगा, पकड़। नहीं, मैं नहीं करूंगा। बचाओ, बचाओ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। देवी और सज्जनों,
मैं मिनी अमिताभ बच्चन आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अबे तू है कौन? नाम शहंशाह, पूरा नाम वो भी शहंशाह। बचपन से आज तक मैंने बहुत सहन किया है। जब मैं छोटा था, छोटा था? अबे तू बड़ा कब हुआ है? मैं नहीं खेलता, मैं नहीं खेलता, हट हट। अरे रुको, अरे अरे परेश भाई रुको, परेश भाई रुको। भारती अंकल कुछ कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। बोलिए परेश। जब मैं स्कूल में था मुझे दो नंबर आती थी तो टीचर मुझे जाने नहीं देती थी, वो सहन किया। अबे ओ, बाद में सारी क्लास को सहन करना पड़ा होगा। जवानी में घर के सामने वाली लड़की को मुझे दीदी कहना पड़ा, वो भी सहन किया। और क्या, इस शो में अब तुझे सहन कर रहा हूँ। इतना सहन किया कि मेरा नाम पड़ गया शहंशाह। मेरे बाप का नाम बबलू पटेल, मेरी माँ का नाम डॉली माथुर। अबे तू यहाँ करने क्या आया है? अबे यार मैं शहंशाह हूँ यार, हर रात जुल्म मिटाने के लिए निकलता हूँ। दिन में क्यों नहीं निकलता है? अबे साले रात भर जुल्म मिटाऊंगा तो दिन में सोऊंगा नहीं क्या? देख शरद यार, तेरा प्रॉब्लम बहुत बढ़ते जा रहा है यार। अब तू ठीक से सुनेगा नहीं तो रिएक्शन करेक्ट नहीं आएंगे यार। तू बता तूने कहाँ कहाँ जुल्म मिटाए? मैं मिका और राखी सावंत की पार्टी में गया था जुल्म मिटाने के लिए। पर वहां तुमने जुल्म क्यों नहीं मिटाया? वो एक दूसरे की पप्पी ले रहे थे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि कौन जुल्म कर रहा है और कौन सहन कर रहा है। Tell me one thing, any other experience of जुल्म मिटाओ? मैंने एक रात में 5 मिनट में जुल्म मिटा दिया था। Wow, how? औरतों पे जुल्म करना मना है। Right. ऐसा दीवार पे लिखा था, मैंने दीवार से जुल्म मिटा दिया। साले जुल्म मिटाता है ना? हाँ। तो ये जबरदस्ती मुझसे अपना चीरहरण करवाना चाहती है, कितना बड़ा जुल्म कर रही है मेरे ऊपर। बड़ा नहीं, बहुत मोटा जुल्म हो रहा है तुझ पे। ए लालटेन बता, ये सच बोल रहा है? हाँ, मुझे अपना चीरहरण करवाना ही है। अगर ये जुल्म मुझ पे ना हुआ तो इतिहास बदलना पड़ेगा। ए मोटी, ये शरद हम पे कितने एपिसोड से जुल्म कर रहा है, इसे हमने बदला? नहीं। तू ये बता, तू इससे अपना चीरहरण क्यों करवाना चाहती है? अरे क्योंकि मैं दुशासन हूँ और ये द्रौपदी है। ये द्रौपदी है? अरे इसका ठीक से अपहरण नहीं हो सकता, क्या चीरहरण करेगी इसका? ए मोटी बता, तेरे बेचारे 5 पति कहाँ हैं? ये बैंड बजा रहे हैं। अच्छा ये बता, ये जब तुझे जुए में हार रहा था तो तूने मना क्यों नहीं किया? अरे मना कैसे करती, जब हम कौरवों ने जुए में हाथी दांव पर लगाया तो इन पांडवों ने बदले में इसको दांव पर लगा दिया। और हम तो बाजी हारना चाहते थे, जब किस्मत ही हो पांडु तो हार गए पांडव। मुझे ये बताओ, ये जुआ शुरू किसने किया था? इसने किया था। अरे मैंने क्या शुरू किया, मैंने तो खत्म किया यार। अरे तो तूने खत्म क्यों किया यार, ना तू जुआ खत्म करता ना पांडव इसे हारते। अरे अच्छी जबरदस्ती है। अच्छी है ना, तो चल फिर कर। अबे गरीबों के शहंशाह, मैं इसकी साड़ी नहीं उतारूंगा। अबे तू क्या, तेरा बाप भी उतारेगा? मेरा बाप वो तो ढंग से अपनी धोती भी नहीं उतारता है, अंधा है वो। तेरे नसीब बहुत खराब है यार, बाप अंधा, ये मोटी, सब डिफेक्टिव पीस मिल रहे हैं तुझे। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, और कितना गुस्सा आना बाकी है, अगर मुझे ज्यादा गुस्सा आ गया ना तो मेरा चीरहरण तुम करोगे। मुझे चीरहरण करना नहीं आता। ओहो बेवकूफ, पतंग उड़ानी आती है ना? हाँ। ऐसे बस ऐसे करना है। अरे लेकिन मैं खींचता कम और ढील ज्यादा देता था। ये करेगा चीरहरण? हाँ यार, इसे आज कुछ तो करवाए। चल बे पकड़ कर प्रभु, आउच स्टूपिड, बदतमीज कहीं के। नई साड़ी खराब कर रहे हो, आज ही मैंने सेल से खरीदी थी। लेकिन इसमें तो होल है। शट अप, होलसेल की साड़ी में होल नहीं तो क्या पिक्चर होल होगा? तू बड़ा जुल्म मिटाता है ना? हाँ? अब मिटा जुल्म। अरे जुल्म कैसे मिटाऊं, पहले तू कर तो सही। बदतमीज कहीं के, मेरा टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी बताओ कि मेरा चीरहरण कौन करने वाला है। ये अबे लेकिन चीरहरण करके फायदा क्या है? अरे फायदा कुछ ना भी हो, शेखर से अच्छे नंबर तो मिल जाएंगे। अब जल्दी करो, क्या कर रहे हो? चल खींच। ओहो, किसी ने सच ही कहा है, जिसका काम उसी को साजे। शेखर आओ ना। अर्चना आपसे पूछ रहे, क्या कहेंगे आज आप इन शेट्टीज के चीरहरण के बारे में? नॉर्मली जो आप लोगों की फिजिकल कॉमेडी बहुत बढ़िया होती है,
एक्ट्स जो आप प्रिपेयर करें वो ऐसी प्रिपेयर करें कि आप बाकियों का चीरहरण कर लें, अपने खुद का नहीं। सुमन, आपको भी लगता है कि इन्होंने अपना, मैं हमेशा कहता आया हूँ कि इतनी जहीन और इतनी महीन और बारीकी से आप लोगों ने काम किया है, जिसको देख के और सुन के तबीयत खुश हो जाती है, वहाँ इसको देख के अत्यंत निराशा हुई है। अब स्कोर की बारी, अर्चना क्या देंगी शेट्टी को? दिस इज द बेस्ट आई कैन गिव यू, 7 points। ऑलराइट शेखर, आप किसको? 6 points। ऑलराइट, थैंक यू। आइए देखते हैं कि सुमंस के राजीव और राजेश ने कौन सा कॉस्ट्यूम चुना है। राजीव और राजेश दोनों बार बॉटम स्कोरर, यानी आज इन्हें कुछ भी हो जाए 10 out of 10 वाली परफॉर्मेंस ही देनी है। अब देखते हैं कि ओबामा लालू की बिहार को अमेरिका बनाते हैं या लालू अमेरिका को बिहार बना देते हैं। प्लीज वेलकम season 2 के राजेश और राजीव। हेलो, अरे बड़ी लालू बोल रहा हूँ। तुमका नीतीशवा के भाषण सुन रही हो? बोलबा कहीं की साधु की तरह हो गई है, पोजीशन में जाके भाषण सुनती है। हाँ तो आप तो अपना भाषण देना बंद कर दिए ना। अरे हम भाषण नहीं देंगे तो तुम दूसरे का सुनोगी क्या? अच्छा वो सब छोड़िए, झगड़ा मत कीजिए, ये बताइए काहे फोन किए हैं? वो कहा है कि हम ओबामा से मिलने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, मतलब सब ठीक है ना? बीपी का दवाई खा लिए थे? अरे तबीयत सब ठीक है, तुम समझोगे नहीं, हम जो है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। तेरी कैसा बोलिए ना। तो हम जा रहे हैं अमेरिका और सब जरा ख्याल रखना, जानवर का, गोरू का, सब एकदम जो है, और बच्चा लोगों का गिनती करके रखना पूरे 9 ठो, समझी? हाँ। एक ठो कम नहीं होना चाहिए। हाँ अब बढ़ गया तो बुड़बक कहीं की। एक कॉमेडी सर्कस देख देख के अभी बौर आ गई है। खा से कबूतर, खा से गमला, खा से खरगोश, खा से माय नेम इज खान। हाउ आर यू? कौन सा बुड़बक है, ये पूरा हिंदी खा से सीख रहा है। हाउ आर यू लालू? आई मीन हाउ आर यू बिहार? नहीं, आप तो इंडिया से आए हैं ना? तो इंडिया भी बिहार में है भाई। ओके। हाँ। आपका हमारे देश में सुस्वागतम है। अरे भाई बहुत अच्छा हिंदी सब बोल रहा है। ये हिंदी कहाँ से सीख लिया? चाटे कोचिंग क्लासेस वॉशिंगटन ब्रांच। पिछले 2 दिन में पूरा हिंदी चाट गए हैं। बताइए कि आप अकेले क्यों आए हैं? अकेला मतलब बिहार में आजकल खेती किसानी का काम चल रहा, मड़नी कटनी सब आदमी बिजी है, हम खाली थे तो चले आए। नॉट दैट वे, जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो हम अपने साथ 500-600 डेलीगेट्स लेके जाते हैं, वैसे आप यहाँ अकेले क्यों आ रहे हैं? हम हिंदुस्तानी हैं, अमेरिका में आते हैं अकेले आते हैं, यहाँ लाखों आदमी हमारा पहले से है। ओके नहीं मतलब आप अकेले आए हैं, आप अपनी फटनी को साथ में नहीं लाए? फटनी? फटनी नहीं, पत्नी होता है। या और दूसरा बात यह है कि जब हम कहीं बाहर कंट्री में जाते हैं तो हम पत्नी को लेकर नहीं जाते, साथ में बफैलो को लेकर जाते हैं। क्या है, शॉपिंग का खर्चा बच जाता है। I know. और बफैलो को लेके आ रहा तो वो ससुरा एयरपोर्ट में रोक लिया तुम्हारा वो FBI वाला। आई नो मिस्टर लालू, क्या है 9/11 के बाद हमारी सिक्योरिटी थोड़ी टाइट हो गई है, FBI has become very strict. अरे हम खुद FBI हूँ मैं। How? फेमस बिहारी ऑफ इंडिया। और हम भी 9/11 के पास बहुत सतर्क हो गया हूँ। अच्छा? 9 हमारे हैं, 1 रबड़ी और 1 हम, टोटल कितना हुआ? 11। हाँ तो फिर 9/11। लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या एयरपोर्ट पे? ना एग्जैक्टली क्या, हाँ हम जैसे एयरपोर्ट से निकला ग्रीन चैनल से भैंसिया लेके निकल रहे थे। और बिहार का भैंसिया बहुत दिन बाद ग्रीन ग्रीन देखा, वहीं पर टूट पड़ा जाए, बिखर गया वो। हाँ इसके बाद में सब जो है FBI वाले आके बोले कपड़ा सब उतारो, पूरा चेकिंग करेंगे। Okay. पूरा कपड़ा उतार के हमारा बिहार देख लिया पूरा। होता है का? ना, इसके ना। बाद में भैंसिया से बोले पूछ उठाइए, कोई इज्जत होता कि नहीं होता? अरे पूछ उठाया, हक दिया। हम भी आपको हक देंगे। अरे
ये बहस छोड़िए, बहस शुरू कीजिए। नहीं, ग्लोबल वार्मिंग पे बहस कीजिए। ओके, टेल मी एग्जैक्टली व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, हाँ, सी ग्लोबल वार्मिंग इज ऑल अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। हीट जो है काफी गर्म हो जाता है। हाँ, हाँ. बहुत दिनों तक अर्थ प्लैनेट पे टिक जाता है। हाँ, हाँ, हाँ. तो कैसे टिक जाएगा, इतना दिन इतना दिन का वीजा देते हो क्या? हमारे गुजरात से नरेंद्र भाई मोदी आए थे, उनको वीजा दिए तुम? गुजरातियों को तो वीजा बिल्कुल नहीं देंगे। कहाँ नहीं देंगे? कितने सारे गुजराती हैं आपने देखा है? हाँ। जब भी पिज्जा बर्गर मांगते हैं तो ढोकला फाफड़ा लेके आ जाते हैं। हमारे पूरे न्यूयॉर्क को भावनगर बना दिया है। कहाँ तुम्हारा उसमें न्यूयॉर्क में खास क्या है? हमारे न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। अरे पगला गया है, हमारे यूपी में आई है मायावती ने इतना लिबर्टी लिया है, गली गली में स्टैच्यू खड़ा किया है। हमारे यहाँ करप्शन नहीं है। अरे तो चिंता कहा कर रहा, हम आ गया हूँ ना, टेंशन नहीं लीजिए। अब हमको देखो बगैर पासपोर्ट वीजा के व्हाइट हाउस में खड़ा हूँ मैं। What? हाँ, सिक्योरिटी सिक्योरिटी ग्लोबल वार्मिंग पे चर्चा कीजिए। नो नो, लिसन, ग्लोबल वार्मिंग इज द इंटरनेशनल कंडीशन ऑफ द राइज एंड द सन ऑफ द इंटरनेशनल सरदार जी एंड द ग्लोबल बॉर्डर ऑफ द एफबीआई एंड द तेलंगाना राज इज द वेरी गुड एंड द बेस्ट ऑफ द सन एंड द दिस। समझा करो यार ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट आर यू? अरे दिस इज द ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं समझते हो? आई नो द एवरीथिंग अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग एंड द चिराग जलता है इन द चूल्हा देन लकड़ी हवा दो ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट द सुपर पावर? ए जादा बड़बक मत किया कर। सुपर पावर, सुपर पावर हमारा पास है। सत्तू खाता हूं, द पाउडर ऑफ चना एंड सबेना घोला एंड पिया, सुपर पावर। व्हाट बात करता है? व्हाट नॉनसेंस बात नहीं की ना, सुपर पावर है। ज्यादा बात कर, धाई के तुम्हारे खोपड़ियां नोच लेंगे अभी। हम भी तुम्हारा धाई के खोपड़ियां नोच लेंगे अभी। ए बिहारी, हम तू क्या बोलता बिहारी? 400 साल पहले हमारे फोर फादर्स अफ्रीका गए थे। बाय खास टाइम राजपूत। अरे दैया रे, ये राजपूत है? यस, थैंक यू। पिछले हफ्ते ये जरा थोड़े हिल गए थे, इतना हंसा नहीं पाए, लेकिन आज मौसम कुछ बदला बदला लग रहा है, चेहरे पे हंसी दिख रही है। अर्चना, थोड़ा तो अमेरिका का मौसम आज के हिंदुस्तान के मौसम से बेहतर लगा मुझे। रोहित, क्या कहेंगे? I felt it was a okay act, not even a decent act, keeping Rajiv you in mind and even Rajesh you, जिस तरह के आप परफॉर्मर्स हैं एंड एक्टर्स हैं, ऐसा लगा दो लोग बात कर रहे हैं। सी द होल सिनेरियो, जिस तरह से मैं जज करता हूँ कि दो लोग खड़े हैं या तीन लोग खड़े हैं या परफॉर्म करना है और हमें एंटरटेन और हमें हंसाने आए, इसके अलावा और ज़्यादा डिटेल में सोचता नहीं हूँ, एक बहुत कॉमन मैन की तरह सोचता हूँ और उनके लिए फिल्में बनाता हूँ, तो मुझे वो नज़र नहीं आया इतना। अब बारी है स्कोर्स की, आइए देखते हैं। 8 पॉइंट्स रोहित। ऑनेस्टली अपनी कॉस्ट्यूम चुनने आ रहे हैं सीजन 1 के पुरांस स्वप्निल एंड वीआईपी। गालिब की शायरी पर साउथ का टुमका, वाओ क्या कॉम्बिनेशन है। चलिए देखते हैं इस अजब कॉम्बिनेशन का गजब परफॉर्मेंस। प्लीज वेलकम सीजन 1 के पुरांस स्वप्निल एस गालिब एंड वीआईपी एस साउथ इंडियन एक्ट्रेस। माफ कीजिएगा, मेरे पीछे कुत्ते पड़े हैं। मेरे पीछे प्रोड्यूसर लोग पड़े। कपड़े फाड़ दिए सालों ने। मेरे तो उतार दिए सालों ने। थैंक गॉड, जांग बची। मोहतरमा, जांग बची नहीं, जान बची कही है, जान बची। ओ, एक्चुअली मैं साउथ इंडियन है ना, तो मेरा हिंदी का थोड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे अच्छा लगा तुमसे मिलकर। टकरा के क्या फायदा मोहतरमा, वैसे भी अच्छा लम्हा बड़ी जल्दी गुजर जाता है। तो चलो ना पीछे चलते हैं। सच मुच। ए, मैं फ्लैशबैक में जाने की बात कर रही है। लाहौल विलकुत, फ्लैशबैक, फ्लैशबैक। चलिए चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं। वैसे भी शेर और शरारतें जितनी बार दोहराओ उतना ज्यादा मजा देती है। ठीक है, फ्लैशबैक।
मैं शायर हूँ शायर। सुन के बहुत बुरा लगा रे। तूने खाना खाया सुबह? सुबह मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया। अयो बहुत बड़ा शायर, 3 दिन से खाना नहीं खाया। इन्ने पैर में तेरा नाम क्या है? मिर्जा। मुजरा? लाहौर विला कुवत। लाहौर दुबई कुवत कभी गए नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि मुजरा शायद आपका पेशा होगा मोहतरमा, मेरा नाम मिर्जा है, मिर्जा गालिब। गालिब? गालिब नहीं मोहतरमा, गालिब नहीं, गालिब। ग के नीचे बिंदी लगी होती है। तुम्हारे नीचे बिंदी रहते है, हम लोग के तो ऊपर बिंदी रहते है। मोहतरमा मेरा मतलब है ग का गा, गा, गा के नीचे गोला है। तुम्हारे नीचे गोला है, हमारे तो... हमारे कहने का मतलब ये है कि हम बस अपना नाम ठीक करवा रहे हैं। नाम बाद में ठीक कराओ, पहले अपना उलिया ठीक कराओ। तुम्हारे पास कुछ काम वाम है कि नहीं? अर्ज है कमसिन जानिब बगल में गालिब। कमसिन जानिब बगल में गालिब, लेटो तो करती है चुर्र। अपना फीलिंग मत बता, मेरे पे गाना लिख, गाना लिख। कुछ ऐसा गाना बनो, ऐसा बनो जिससे मेरा सामान बिके। ओह मतलब मैं औकात पे आऊं? हाँ मतलब मैं गिर जाऊं? हाँ अरे यहाँ बिना गिरे कोई उठता ही नहीं है। काम कर, तुम अपनी हिंदी फिल्म में काम भी लो जो ना। माफ कीजिएगा मोहतरमा, वहाँ आपके लिए कोई स्कोप नहीं है। क्यों? अरे वहाँ हम राइटरों की ले लेते हैं, आप क्या करेंगी? हाँ? मतलब हम राइटरों की ही क्रेडिट ले लेते हैं, आपको क्रेडिट कौन देगा? आप मेरे लिए कोई तड़कता फड़कता हिट एंड हॉट आइटम नंबर पेश कीजिए, शायद उससे काम बन जाए। आइटम नंबर तड़कता फड़कता। मोहतरमा अगर खोली खाली है तो पहले शटर डाउन कर लें। एक मिनट, शटर डाउन। शेखर क्या लगता है पूरंस के बारे में क्या कहेंगे? ऐसा अक्सर होता है कि आप लोग जो परफॉर्म करते हैं कहीं हिचकोले आते हैं, कहीं दिक्कतें आती हैं, कहीं परेशानियां आती हैं, आप लोग संभाल ले जाते हैं और वो एक्ट फिर भी एक मुकम्मल एक्ट बन जाता है। पर आज अनफॉर्चुनेटली आई थिंक यू नो आई एम ह्यूजली डिसअपॉइंटेड। मैं उनकी कैप्टन से पूछना चाहूँगी, अर्चना आज ज़रा परफॉर्मेंस इतनी दमदार नहीं रही, एंड यू नो आपके पास सिर्फ एक जोड़ी बची है, आपके एक ही सिपाही बचे हैं, तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, मैं तो अब ऊपर प्रार्थना कर रही हूँ कि भैया मेरी पूरी फ़ौज है, आप दोनों ही मेरी दो सिपाही हो, आप ही दोनों मेरी फ़ौज हो, सो आई होप ये दोनों थोड़ा जेनरस हों आपकी तरफ। ऑलराइट रोहित, शुरुआत ऐसी हुई कि मुझे लगा कि पता नहीं कहाँ जाने वाला है एक्ट, बट इट डिडंट रीच एनीवेयर। सो टबू, नो यू वर वेरी गुड। गालिब क्या है, वन ऑफ माय फेवरेट पोएट्स हैं तो, बट ऑफ कोर्स इट वाज अ ग्रेट एफर्ट। आइए देखते हैं स्कोर्स क्या है। 7 points, ऑलराइट। और रोहित के स्कोर्स हैं, आई आल्सो गिव अस 7 अगेन, ऑलराइट। अब कॉस्ट्यूम सिलेक्ट करने की बारी है शेट्टीज के, राजीव, रश्मि और सलोनी की। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या चुना। आज देखते हैं कि मेल लैला और फीमेल रोमियो क्या कारनामा कर दिखाते हैं। लेकिन सलोनी किसका किरदार निभा रही है? लगता है ये एक सरप्राइज है। प्लीज वेलकम सीजन 3 के शेट्टीज, राजीव, रश्मि एंड सलोनी। सत श्री अकाल। कैसी लग रही शेखर जी, आपको क्या पूछना है? बहुत गंदी नहीं लग रही, अच्छी लग रही है। वैसे भी आपको क्या पूछना है, आपको तो सभी अच्छी लगती हैं। बस सांस चलती होनी चाहिए। इसलिए मैं तो इनको देख के ना अपनी सांस ही रोक लेती हूँ, बाकी सब चालू रखती हूँ। ये ले। मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं रोमियो हूँ। अभी कह रहा था मैं चोर हूँ, तो मैंने कहा पहले पैसे निकाल के दे दो, पता नहीं चोरी के बहाने कहाँ कहाँ हाथ डाल दे। मैं जूलियट वाला रोमियो हूँ। सत श्री अकाल जीजा जी। इतने दिनों बाद साली से मिलने आए हो, मीठा मुंह ही करा दो। ये बताओ यहाँ क्या करने आए हो? मैंने सुना है यहाँ साली अधिकार वाली होती है। हाँ अगर पकड़ी ना जाए तो। चलो मैं तुम्हें टाइटैनिक जहाज पर ले चलता। हाय रब्बा, इतना बड़ा जहाज, ऐसे लगता है पार करके अमेरिका आ जाएगा। और एक वो मजनू था, दारू पी के मुझे ट्रैक्टर में बिठा के जहाज खेड़ता रहता था।
यहाँ पर कोई तलाशी लेने नहीं आया? ए! मेरा मतलब है कंडक्टर टिकट। डायरेक्ट अमेरिका, डायरेक्ट अमेरिका, डायरेक्ट अमेरिका, दिल्ली, पंजाब, चीन, ऑस्ट्रेलिया, डायरेक्ट होते हुए जाएगा। जहाज में कोई सवारी ना होगी, जहाज फूल हो गया तो चलिए। ओए ये कौन आ गया ऊपर बातें करने वाला? हम धृतराष्ट्र हैं। लो मैंने तो महाराष्ट्र सुना था, ये धृतराष्ट्र कौन आ गया? हम इस जहाज के ड्राइवर हैं। तुमको तो दिखाई नहीं देता, जहाज कैसे चलाएगा? क्यों, कॉमेडी तुम्हें नहीं आती? तुम भी तो करती हो ना। क्या? कुछ नहीं। चलो अब मुझे अनाउंसमेंट करने दो, चुपचाप बैठ जाओ। ऑलराइट। नमस्कार, पुर समुद्री जहाज में आपका स्वागत है। आप बैठे बिजनेस क्लास में और आप इधर बैठे फट्टो पर इकोनॉमी क्लास। तू है इकोनॉमी क्लास वाली। अब बताओ अगर आपातकालीन स्थिति आ गई तो? हाँ, और आपातकालीन स्थिति में अगर जहाज पानी के अंदर डूब रहा है हा? तो कृपया अपने अपने पैराशूट लगा के उड़ जाइए। और किसी चीज की जरूरत हो हा? तो मेरे को मत बुलाना। लैला हाँ। चलो टाइटैनिक का पोज बनाते हैं। कैसा लग रहा है? फालतू की बकवास बंद कर, जो करना फटाफट कर ले, कोई आ जाएगा। इतना जोर से रोमांस मत कर कि पूरा जहाज हिल जाए। मैंने कुछ नहीं किया, लगता है उस अंधे ने जहाज की तो ठोक मारा। नहीं लैला, लो आ गया मोहब्बतें का शाहरुख खान। ये तो ड्राइवर है, ये यहाँ है तो जहाज को चला रहा है। अबे जहाज चलाने लायक बचाई कहाँ है? कितना बहादुर है, रो रहा है। आई मीन टू से ये गाना गा रहा है जहाँ डूब रहा है तो भी बहादुर आदमी, बहादुर। हम गा नहीं रहे, मैं तो डर रहा हूँ मम्मी। जहाज डूब रहा है, कुछ बचाने का तरीका बता। एक उपाय है हाँ। हम में से कोई एक इस जहाज से कूद जाए तो ये जहाज हल्का होकर बच सकता है। तो ठीक है फिर तो। तू डूब के मर क्यों नहीं जाता? अच्छा जहाज भी मैं ही बचाऊ, एक्ट भी मैं ही बचाऊ, तुम दोनों कुछ नहीं करोगे, बच्चे के सिर पर रोटी खाने वालों। हम भी तो कुछ कर सकते हैं, जब लोग दूसरों के गाने गा के अपने डूबते एक्ट को बचा लेते हैं, हम गाना गा के डूबते हुए जहाज को नहीं बचा सकते। आइए जानते हैं कि ये शेटीज का जहाज डूबा या बच गया। भाई टाइटैनिक नहीं बच पाई, आप लोगों का जो जहाज है, जहाज नुमा जो एक्ट था, वो भी अफसोस टाइटैनिक की तरह डूब गया। आप लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एंड डोंट रिलाई ऑन ट्राइड एंड टेस्टेड और क्लिशेड जोक्स। अब है पॉइंट्स की बारी और अर्चना इस एक्ट के लिए द मार्क्स दैट आई कैन गिव यू सेवन। शेखर 6 पॉइंट्स। तबू हमारे शो पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात तो पक्की है, हम सब आपकी फिल्म देखने थिएटर में जरूर जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग अस विद योर प्रेजेंस। जोरदार तालियां तब्बू के लिए। थैंक यू। आज का संग्राम तो हो गया और आज के जज स्कोर्स भी हो गए। देखना यह है कि पब्लिक वोटिंग और जजेस स्कोर्स के बाद कौन है बॉटम टू जोड़ी, यानी इट्स टाइम फॉर एलिमिनेशन। कृष्णा सुदेश, आपको जजेस ने दिए हैं 19 पॉइंट्स। जनता के आखिरी फैसले और जजेस के आज के स्कोर के बाद आप हैं हाईएस्ट स्कोरर एंड यू आर एब्सोल्युटली सेफ। कांग्रेचुलेशंस। वीआईपी स्वप्निल, पूरंस के सबसे दमदार सिपाही, आज जजेस दिए हैं 14 पॉइंट्स। तो जनता के आखिरी फैसले और आज के जज स्कोर्स को मिलाकर आप हैं बिल्कुल सेफ। कांग्रेचुलेशंस। राजेश राजीव, जनता के आखिरी फैसले और जजेस के आज के स्कोर्स को मिलाकर आप हैं अनफॉर्चुनेटली खतरे में, आज आप हमारी बॉटम जोड़ियों में से एक हैं। अब बचे हैं सिर्फ शेटीज। रश्मि राजीव सलोनी, पिछले हफ्ते के जनता के आखिरी फैसले और आज के जूरी स्कोर्स को मिलाकर रश्मि राजीव और सलोनी अब बिल्कुल सेफ है। कांग्रेचुलेशंस। तो परेश भारती एंड शरद, इसका मतलब यह है कि आप हैं हमारी
दूसरी बॉटम टीम, तो प्लीज आप फेस ऑफ के लिए तैयार हो जाइए। एक शेट्टी और एक सुमन, देखना यह है कि कॉमेडी की रणभूमि में से आज कौन शहीद होने वाला है। आइए देखते हैं, लेट्स गिव इट अप फॉर परेश, शरद एंड भारती। हाय रब्बा, इतनी क्यों सुंदर हूँ मैं, क्यों इतनी सुंदर हूँ? हाय रब्बा, क्यों? कभी कभी तो मुझे डर लगता है चैनल वाले कहीं पूर्वी को निकाल के मुझे ना रख लें। ये सब मजाक था शेखर जी, सजना सवरना सिर्फ ऐसी लड़कियों का हक है। अगर ऐसी लड़कियां चेहरे पे मेकअप करती हैं तो मेकअप लगता है, अगर मैं मेकअप करके इनके बीच में बैठती हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे सैलड के बीच में तरबूज सजाया हुआ है। खैर शेखर जी, हर लड़की का सपना होता है कि उसकी शादी सपनों के राजकुमार से हो, होता है ना? पर मेरा ऐसा कोई सपना नहीं है। मेरा सपना है कि मेरी शादी राजा से हो, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो 2-3 राजकुमार तो हो ही जाएंगे। खैर मेरी सेहत से आपको कैसा लग रहा है? अच्छी लग रही हूँ ना? हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, कितनी प्यारी हूँ फिर भी मैं। खैर मेरी शादी राजकुमार से नहीं, राजा से हुई है। वो ऐसा राजा है जो महासंग्राम में बिजी रहता है। मिला दूं आपको? रोहित। काफी बिजी रहते हैं ना? रोहित डार्लिंग। अबे और रोहित के बच्चे। बोल VLCC की फ्लॉप मॉडल, बोल। इतनी देर से आवाजें लगा रही हूँ, मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रहे थे? गाड़ियां साफ कर रहा था। कृष्णा और सुदेश कभी भी आते होंगे लेने के लिए। हे भगवान। नाइस वन। तुम कृष्णा सुदेश को गाड़ियां दे दे के नहीं थकते, और वो ऐसे बेशर्म है कि गाड़ियां ले लेके नहीं थकते। क्या करते हो इतनी गाड़ियों का? ख्याली और ठाकुर को बेचते हैं ब्लैक में, उन लोगों को मिलती नहीं है ना। अच्छा हाँ। मिलती तो बेचारे रजीव निगम को भी नहीं है। हाँ लेकिन वो चोरी का माल इस्तेमाल नहीं करता ना। अच्छा अच्छा, खैर छोड़ो। आप सब सोच रहे होंगे कि मेरे रोहित डार्लिंग ने अपने आप को मेंटेन कैसे रखा हुआ है। डार्लिंग सबको बताओ। मेंटेन? अरे वैसा दिखता था मैं वैसा, अर्चना जैसे डोले थे मेरे, खली से ख्याली बना के रख दिया मुझे। अरे उसे गन्ने की मशीन में डालो ना तो दूसरी तरफ से ऐसा निकलता है। क्या हाल कर दिया मेरा इसने। स्वीटू भूल गए हमारे दो बच्चे हैं, कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। अरे तो मैंने डिलीवर थोड़ी किया जो मेरी हालत ऐसी हो गई। तुझमें फर्क क्यों नहीं आया? भूल गए, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं कभी नहीं बदलूंगी। देखो अभी भी नहीं बदली मैं, वैसी की वैसी ही सुंदर हूँ। और तुमने भी तो कहा था जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। भारती तुम्हें हमेशा खाना पड़ेगा। बस मैं खाती रही। मेरी अकल पे पर्दा पड़ गया था जो इस भैंस से शादी कर ली मैंने। अकल का पर्दा नहीं, फिल्म का पर्दा पड़ गया था तुम्हारी आंख में। अच्छा तुमने सोचा गोलमाल थिएटर में चले ना चले, ये गोलमाल घर में हमेशा चलता रहेगा। ये तो चली नहीं, लेकिन मुझे इतना चलाया कि चलते चलते मैं घिस गया। रोहित। ए भगवान मुझे उठा ले। बाद में उठाने की बात करना, पहले मुझे उठाओ और चलो अंदर छोड़ के आओ। भारती, भारती, भारती उठ। अरे रिहर्सल करनी है, तू फिर सपने देखने लगी। हे भगवान, शरद तुम्हारी टाइमिंग इतनी गलत है ना, अच्छे भले एक्ट की भी वाट लगा देते हो, अरे इतने अच्छे सपने की भी वाट लगा दी। सुनो डेंजर जोन की वाट नहीं लगा सकते, सीधे मार्क्स मांग लो बाबा। थैंक यू। राजीव एंड राजेश, गिव इट अप फॉर देम। डेंजर जोन है, ट्रेड बिल नहीं जो सुबह सुबह आके लग जाता है। अरे यार क्या हो गया, मानसिक संतुलन तेरा ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है, कुछ भी पके जा रहा है। अबे मैं कम से कम कुछ बक तो रहा हूँ, तू भी तो कुछ करना, भूखड़ कहेगा। उसको भूखड़ कहां से नजर आ रहा हूं भाई मैं? शेखर जी पिछले एपिसोड में 2 पन्ने अकेले ठूस लिए थे। 7 फीट 44 इंच की औरत बन के खड़ा हो गया करके। औरत ऐसी होती है,
एकदम सेरेना विलियम्स की चाची लग रही थी, दरियाई घोड़ी। क्या तुझे बेइज्जती अगर करनी है ना तो सुरिंदर के कर, मेरी अगर बेइज्जती करेगा ना मैं ये शो छोड़ के जा रहा हूँ। वो छोड़ के जा रहा क्या? खिकी खिकी है क्या? ये ऐसा लग रहा है जैसे डेंजर जोन में नहीं खड़ा, अपने घर की बालकनी में खड़ा हुआ है। वो सोनी वाले आकर किसके हाथ पैर छोड़ रहे, प्लीज छोड़ के मत जाओ, प्लीज छोड़ के मत जाओ, चैनल की हालत खराब है, आपसे ले जाओगे तो क्या होगा? तू तू ये शो में रहेगा तो करेगा क्या? क्या करेगा तू? मैं लोगों को हंसाऊंगा। तू हंसाएगा? हाँ। तो अभी तक क्या कर रहा था? तेरे अंदर है क्या? मेरे अंदर जान है। अबे तू सीमेंट की पोटली, मैं पूछ रहा हूँ टैलेंट क्या है तेरे अंदर? अबे ये 2.5 किलो का हाथ है, अगर किसी पे पड़ गया ना तो हाथ में उठता नहीं, उठ जाता है। अरे वाह। सर ये राम प्रसाद नहीं श्याम प्रसाद है सर। सर मुझे क्या लगता है कि मेरे अंदर ना टैलेंट बहुत कूट कूट के भरा है। मकर की मिट्टी से जन्म लेने वाले गद्दारी के पौधे, तुम्हारे दिमाग के ठोकरे में बुद्ध क्या ठन्नी भी नहीं गिरते। हरण जी का डांस दिखा जरा। सेनाई बजा सकता हूँ। अच्छा, तारिक शाह, परीक्षित सानी, रवि बैल, इनकी आवाज भी निकाल सकता हूँ। बोल। प्लीज मत निकालना। नहीं मतलब बोल? निकाल लेता तो निकालता क्यों नहीं है? कुछ भी बोल। कैसा लगा मैसेज? ए सुरिंदर। सुरिंदर कहाँ से आ गया भाई बीच में? नहीं, सुरिंदर को भी सुख बाई चांस एक मैसेज भेज दिया था मैंने। सुख बाई चांस नहीं, लक बाई चांस होता है। अबे एड़े, सुख बाई चांस सोनी का एक शो है, वो मैं प्रमोट कर रहा हूँ। अच्छा। है ना, मैं सोनी वालों को प्रमोट करूंगा तो सोनी वाले मुझे प्रमोट करेंगे। जोरदार तालियां हमारे सुमंस के लिए। जजेस ने फैसला सुना दिया है। राजीव राजेश, अर्चना ने आपको दिए हैं 9 पॉइंट्स और रोहित ने आपको दिए हैं 8 पॉइंट्स, यानी अब तक का आपका टोटल हुआ है 17। परेश, शरद, भारती, अर्चना ने आपको दिए हैं 9 पॉइंट्स और रोहित ने आपको दिए हैं 8 पॉइंट्स, यानी आपका भी अब तक का टोटल है 17। अब डिसाइडिंग स्कोर्स हैं शेखर की तरफ से। परेश, शरद और भारती, शेखर ने आपको दिए हैं 8 पॉइंट्स और आपका टोटल होता है 25। राजेश और राजीव, शेखर ने आपको दिए हैं 9 पॉइंट्स, यानी आपका स्कोर है 26। That means congratulations, राजीव राजेश, आप सेफ हैं। प्लीज आप अपनी सीट पे बैठ सकते। अफसोस शेट्टीज, आज आपका सफर यहीं पे खत्म हुआ। थैंक यू सो मच गाइज, वुड यू लाइक टू से समथिंग? थैंक यू जजिस ने जो किया, मतलब जितना जजेस ने जो किया, कुछ नहीं किया। जैसा उनको परफॉर्मेंस लगा वैसे नंबर दिए। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू इंडिया, जितनी आप लोगों ने वोट की, और थैंक यू सभी को। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां। आज था इंडिया का आखिरी फैसला। अब अगले हफ्ते से इस महासंग्राम की सारी शक्ति होगी सिर्फ जजेस के हाथों में। अब जो भी फैसला होगा यही होगा, उसी वक्त होगा। तो हंसी के कुरुक्षेत्र में कॉमेडी की सबसे बड़ी जंग लेकर मिलते हैं नेक्स्ट वीक ओनली ऑन हिप हॉप प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस महासंग्राम। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.